एक बार एक छोटी लड़की बैठी हुई घर में अकेली टीवी देख रही थी। उसे यूट्यूब देखना बहुत अच्छा लग रहा था। वो घर में अकेली थी, कोई भी नहीं था, बस उसकी दीदी दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रही थी और उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। वो बहुत छोटी थी, वो 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। उसे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वाली चुड़ैल और कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल। रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं कि तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है, सुनी जी, इस स्टेशन पर कोई उतर नहीं रहा, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही, खिड़कियां क्यों बंद कर ली, कितनी गर्मी हो रही है, ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा। एकदम से उसे ग्लास गिरने की आवाज आती है। चुड़ैल बाहर ही है अभी। आगे वाले भी नाम का लड़का, मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। और वो उस बात को इग्नोर करके अपना टीवी देखती है। रसोई में से जो आवाज आती है गिलास गिरने की, उससे वो बेहोश हो जाती है और एकदम से चलता हुआ टीवी बंद हो जाता है और वो लड़की ऐसे उसमें चुड़ैल आ जाती है। वो लड़की पागल की तरह करने लगती है और जो टीवी होता है वो अपने आप ही चल जाता है और वो लड़की पागलों की तरह करने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत देर तक टीवी चलाती है इसलिए वो पागल हो जाती है और वो लड़की पागल हो जाती है। तभी तो कहते हैं बच्चों, ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, इससे बच्चे पागल हो जाते हैं और ना ही आपको ज्यादा फोन चलाना चाहिए। पागल छक्का दूंगा तभी। वो लड़की पागल हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।